जय श्री राम साथियों, बायोलॉजी की इस संकट मोचक सीरीज के तीसरे एपिसोड में तहे दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से भगवान बजरंगी लोगों का दुख हर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सीरीज आपकी एग्जाम का दुख हर लेगी। दोस्तों, आप हमारी इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी की दोस्तों जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 16%, ऑप्शन नंबर सी है 78%, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4%। दोस्तों जब आप दोस्तों श्वास छोड़ते हो तो कौन कौन सी गैस छोड़ते हो, तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो छोड़ते हो दोस्तों 4%, ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों वो छोड़ते हो आप 16%, और दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो छोड़ते हो दोस्तों आप 78%, और कुछ छोटी मोटी मात्रा में दोस्तों अदर गैसें छोड़ते हो। मुख्य ये थी दोस्तों तीनों गैस जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब आप श्वास लेते समय कौन कौन सी गैस कितनी प्रतिशत की मात्रा में लेते हो, तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन लेते हो दोस्तों आप 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो दोस्तों 0.03%, और दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वो लेते हो दोस्तों आप 78%। आंकड़ा समझिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जब आप श्वास छोड़ते हो दोस्तों तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ऑक्सीजन छोड़ते हो दोस्तों 16%, और नाइट्रोजन छोड़ते हो दोस्तों 78%, लेकिन जब आप श्वास लेते हो दोस्तों तो ऑक्सीजन तो लेते हो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो दोस्तों 0.03%, नाइट्रोजन लेते हो दोस्तों 78%। तो फिर भैया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंकड़ों में परिवर्तन कैसे आया। दोस्तों हमने 21% तो यहां पर श्वास लिया यानी कि ऑक्सीजन ली, लेकिन दोस्तों छोड़ी जब 16% ही रह गई। दोस्तों हमने 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ली, लेकिन दोस्तों जब हमने छोड़ी तो भैया 4% ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से गई। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहली बात ये बताओ आपको ये आंकड़ा समझ में आया या नहीं आया। अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों हुई छोड़ते समय, और दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कैसे बढ़ी। दोस्तों आपको पता है आपकी जो कोशिका होती है उस कोशिका में दोस्तों जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 उसको दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, और दोस्तों क्या क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और दोस्तों एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। क्या इस बात को आप मानते हो। दोस्तों जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों तक दोस्तों ये गैसें आती है, बात क्लियर है। अब होता क्या है दोस्तों, हमें इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों हमने 21% ऑक्सीजन ली। दोस्तों ये 21% ऑक्सीजन में से सिर्फ हम 4 से 5% ऑक्सीजन ही यूज लेते हैं, 4 से 5% दोस्तों हम ऑक्सीजन यूज लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड की सहायता से, ब्लड में दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वो 97% तो दोस्तों किसका, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और दोस्तों 3% करता है प्लाज्मा। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा हमारी कोशिकाओं के पास लेकर के आता है भैया
किसको, इस ऑक्सीजन को, तब जाकर के ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। यहां से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। फिर दोस्तों वापिस जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, फिर वापिस दोस्तों इसे कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की फॉर्म में दोस्तों वापिस हमारे फेफड़ों तक लाया जाता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो दोस्तों ये हमने जो ऑक्सीजन लिया दोस्तों, ये 3-4% ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आती है भैया, इस कारण दोस्तों ये आंकड़ा में परिवर्तन आता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये सीरीज दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं गाइज दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइज ये क्वेश्चन भी आपसे भैया SSC की एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए दोस्तों, कि मकड़िया अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है गवानिन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यूरिकमल। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गवानिन। दोस्तों मैं आपको बता दू मकड़िया और दोस्तों जो बिच्छू होते हैं ये भैया उत्सर्जन किस पदार्थ के रूप में करते हैं, ये भैया ग्वानिन के रूप में करते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। जितने भी जलीय जीव है, ये जलीय जीव दोस्तों किस पदार्थ के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं, तो भैया अमोनिया के रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में। अगर दोस्तों मैं स्तनधारियों की बात करूं, मैं स्तनधारियों की बात करूं दोस्तों, तो स्तनधारी जो होते हैं ये भैया यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। किस रूप में उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अगर दोस्तों मैं सरीसृप की, सरीसृप दोस्तों सरीसृप में ऐसे जीव आते हैं जो भैया रेंगकर चलते हैं। और दोस्तों एवीज की बात करूं, एवीज में दोस्तों उड़ने वाले और न उड़ने वाले पक्षी आते हैं। इन दोनों वर्गों में दोस्तों यूरिकमल के रूप में उत्सर्जन होता है। किस रूप में उत्सर्जन होता है दोस्तों, यूरिकमल के रूप में उत्सर्जन होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों मकड़िया और जो बिच्छू होते हैं वो भैया ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। जितने भी जलीय जीव है दोस्तों, जिसमें मछलियां आती है दोस्तों और भी बहुत सारे जीव आते हैं, वो सभी दोस्तों अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी है वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों सरीसृप जो रेंगकर चलते हैं और जो एवीज वर्ग में आते हैं, जो पक्षी आते हैं, वो सभी दोस्तों यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नियासिन की कमी से रोग होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डर्मेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी डायमेंशिया, ऑप्शन नंबर सी डायरिया और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब दोस्तों नियासिन की कमी से डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया और डायरिया ये तीनों बीमारी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये नियासिन है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भैया विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। दोस्तों विटामिन B3 के अगर मैं स्रोत की बात करूं दोस्तों, तो भैया इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है मशरूम और दोस्तों हरी सब्जी, मशरूम और हरी सब्जी। बात क्लियर है। विटामिन B3 की कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, तो भैया आपने सुना होगा पेलेग्रा बीमारी होती है। इस पेलेग्रा बीमारी को दोस्तों
4D बीमारी भी कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली चार बीमारी, जिनमें से नंबर वन है दोस्तों डर्मेटाइटिस, नंबर दूसरी पर है डायमेंशिया, नंबर तीन पर है दोस्तों डायरिया। अब बात करते हैं भैया, और नंबर चार पर आती है डेथ की। ये चार बीमारी है। पहली बीमारी है दोस्तों डर्मेटाइटिस, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी त्वचा पर संक्रमण होता है, त्वचा पर संक्रमण होता है। दोस्तों आपने देखा होगा अंगुलियों के बीच में दोस्तों छोटी छोटी सी फुंसी हो जाती है, त्वचा पर संक्रमण होता है इस बीमारी में। डायमेंशिया में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो याददाश्त है, ये याददाश्त दोस्तों कमजोर हो जाती है, आपकी याददाश्त दोस्तों कमजोर हो जाती है। डायरिया में क्या होता है दोस्तों, डायरिया में उल्टी और दस्त आपको लगातार आते रहते हैं, और दोस्तों फाइनली आपकी मृत्यु हो जाती है। ये चारों बीमारी दोस्तों मिलकर के पेलेग्रा कहलाती है, जिसे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली चार बीमारी भी कहा जाता है, अर्थात दोस्तों मैं कह सकता हूँ इस बीमारी को 4D भी कहा जाता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ग्लास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 4.0 से 4.5 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 4.0 से 4.1 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 9.0 से 9.3 कैलोरी, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्यों दोस्तों, इसका रीजन क्या है? तो भैया आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स, जिसे आप फैट भी बोलते हो भैया, इन सबसे आपको ऊर्जा मिलती है, इन सबसे आपको ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो भैया आपका पानी, आपके जो खनिज तत्व मिनरल्स, और दोस्तों आपके जो विटामिन्स है, इनसे दोस्तों आपको ऊर्जा नहीं मिलती, इनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलती। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि एक ग्लास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो दोस्तों पानी से, खनिज तत्वों से और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है और लिपिड से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपको 4.0 से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर दोस्तों आप 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हो दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट से कम 4.0 से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करो कि अगर आप 1 ग्राम लिपिड का सेवन करते हो, या फिर मैं कहूं कि 1 ग्राम वसा का सेवन करते हो, तो दोस्तों आपको 9.0 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में सबसे अधिक जो एनर्जी मिलती है दोस्तों वो लिपिड से मिलती है, वो फैट से मिलती है, वो वसा से मिलती है। गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था रेलवे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कैरियोलॉजी,
ऑप्शन नंबर सी है गेस्ट्रोएंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें दोस्तों हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वह शाखा है आपकी कैरियोलॉजी। कौन सी शाखा है दोस्तों? कैरियोलॉजी। इसमें दोस्तों हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें दोस्तों हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों वह शाखा है आपकी गैस्ट्रोएंड्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंड्रोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों, इसमें हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पर्सनली जीव के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो जीव में भी आपका राइट आंसर यही होगा गैस्ट्रोएंड्रोलॉजी। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं त्वचा की, तो दोस्तों त्वचा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया हमारी नाक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों कान का अध्ययन विज्ञान की ओटोलॉजी शाखा में किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो, पहली बात ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास जो नोटिफिकेशन होता है हमारे वीडियो का वो दोस्तों जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपके पास पहुँच जाए। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, इसलिए जरूर जुड़ जाना, जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।